हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं। जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे होता है उसके बारे में हम चीज़ें देखते हैं। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है कि ओ एंड आईडो इज यूज आफ्टर द नेम ऑफ निगेटिवली चार्ज लिगेंड। जो आपके ऋणात्मक लिगेंड होंगे उनके नाम के आगे ओ और आईडो जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें जैसे ये आपका देखिए Cl माइनस, ठीक है, तो इसका नाम आता है क्लोरो। अगर आपका NO3 माइनस है तो निगेटिव चार्ज लिगेंड है, इसका मतलब इसका नाम आ जाएगा नाइट्रेटो। ये नाइट्रेट आयन है तो नाइट्रेटो हो गया, ये क्लोराइड आयन है तो क्लोरो हो गया। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर ये मान लीजिए ब्रोमाइड आयन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। और एक और देख लीजिए, अगर ये साइनो है, साइनाइड आयन है, तो इसका नाम आ जाता है साइनो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड के जो नेम होते हैं वो उनको उसी तरीके से लिख देते हैं। न्यूट्रल लिगेंड आप देखिए, अगर आपको मिलता है कहीं अमोनिया, ठीक है, तो इसका नाम लिखते हैं एमीन। ठीक है, एमीनो नहीं लिखेंगे, अमोनिया नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। अगर वाटर आता है तो उसके लिए स्पेशल नेम आता है एक्वा। ठीक है, एक्वा आता है। फिर सीओ आता है तो इसको लिख देते हैं कार्बोनिल। ध्यान से देखेंगे तीन के तीनों लिगेंड क्या है, न्यूट्रल। इसी तरीके से और भी जो लिगेंड्स होते हैं अगर वो न्यूट्रल होते हैं तो उनके नाम के आगे ओआईडो नहीं जोड़ते हैं। ओआईडो कहां जोड़ते हैं, जहां पे निगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा दो चीजें हो गई। मान लेते हैं कि आपके कॉम्प्लेक्स में आपके कॉम्प्लेक्स में ब्रोमीन दो बार आ गया, Br2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का ब्रोमीन दो बार आ गया। तो अब ये दो बार आ गया तो इसको दिखाने के लिए आप क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो। अगर आपका नाइट्रेट तीन बार आ गया तो क्या लिख देंगे, ट्राई नाइट्रेटो। अगर आपका अमोनिया या चार बार आगे तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन लिखेंगे। ठीक है, टेट्रा एमीन लिखेंगे। अगर आपका वाटर दो बार आगे तो क्या लिखेंगे, डाई एक्वा लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जब लिगेंड का रिपीटिशन होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय संकुल के अंदर जब लिगेंड की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, तो उनका नाम डाई ट्राई टेट्रा आता है। ठीक है, दो बार आए तो डाई लगा देंगे आगे लिगेंड के नाम के आगे, तीन बार आए तो ट्राई लगाएंगे, चार बार आए तो टेट्रा आया। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है, इफ द लिगेंड नेम ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई एटसेट्रा, बिस्ट ट्रिक्स आर यूज फॉर द रिपीटेशन ऑफ लिगेंड। कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके नाम में पहले से ही आपका डाई ट्राई आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इस लिगेंड की, ये देखिए CH2 CH2 NH2 NH2, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, देखिए इसके नाम में पहले से आएगा ना डाई आ गया, इसके नाम में पहले से डाई आ गया, ये जो लिगेंड है इसके नाम में पहले से डाई आ गया। तो अगर ये रिपीट होता है कहीं, ठीक है, इसको शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स में अक्सर लिखा जाता है ईएन, इसका एब्रिविएशन है, इसका संक्षिप्त रूप ईएन लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ये कहीं आ जाता है, इसकी रिपीटिशन कहीं होती है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है ईएन ट्वाइस, ये ब्रैकेट के अंदर ही हमेशा आएंगे, तो इसका जब रिपीटिशन होगा दो बार आया तो इसका नाम ऐसे शुरू होता है बिस। अब ये देखिए आगे आप पूरा नाम इसका लिख देंगे, इथेन 1,2 डाई एमीन आप लिख देंगे। तीन बार अगर आ गए तो ट्रिस और फिर ये इथेन 1,2 डाई एमीन। चार बार अगर आ जाए तो टेट्राक्टिस, फिर आगे लिगेंड का नाम। पांच बार आ जाए पेंटाकिस, छह बार आ जाए तो हेक्साकिस। ठीक है, तो लिगेंड का नाम अगर पहले से डाई ट्राई अपने नाम में रखता है, ठीक है, तो
तो उसके रिपीटेशन होने पे, उसकी पुनरावृत्ति होने पे बीस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस ऐसे कंटिन्यू आप करते हैं, रिपीटेशन दिखाता है बीस ट्रिस भी, ठीक है। चलिए, अगर लिगैंड के नेम में ऐसी चीजें नहीं है, मतलब डाई ट्राई वाले शब्द नहीं आपको मिलते हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप डाई ट्राई टेट्रा आराम से लगा देंगे। नेक्स्ट है कि ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्राइमरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी का रिपीटेशन कितना भी हो जाए, हम वहां उसका नंबर नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये K4 और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। अगर यहां BR3 लिखा है, तो हम ट्राई ब्रोमो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। दो चीजें होती हैं, ना ही प्राइमरी वैलेंसी के नाम के आगे ओआइडो जोड़ते हैं, ठीक है, ना ही प्राइमरी वैलेंसी के नाम के आगे प्राथमिक संयोजकता जो होती है उसके नाम की ओआइडो नहीं जोड़ते हैं, सिंपल लिखते हैं ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड आया था, ब्रोमाइड लिख दिया, और ना ही उनका रिपीटेशन दिखाते हैं, 3 बार आया, 4 बार आया, 10 बार आया, हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ब्रोमाइड लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ NO3 2 हो जाता, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे लिखा हुआ है NO3 twice, तो यहां कुछ नहीं करना, आप सिंपल नाइट्रेट लिखेंगे, डाई नाइट्रेटो नहीं, ना ही डाई नाइट्रेट, कुछ नहीं, बस नाइट्रेट लिखेंगे, क्लियर है। तो प्राइमरी वैलेंसी का नंबर हम कभी नहीं दिखाते हैं, प्राइमरी वैलेंसी का रिपीटेशन हम इग्नोर करते हैं, ओके। चलिए अब फिर देखते हैं, दो टाइप के कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, समन्वय संकुल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, या तो धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज या फिर ऋणावेशित निगेटिवली चार्ज। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस टाइप का है, ठीक है, तो आप जानते हैं कोई भी कंपाउंड रहे, भले वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो चाहे ना हो, पॉजिटिव पार्ट ही हमेशा पहले लिखते हैं। तो अगर इस टाइप पे लिखा है तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, समन्वय संकुल के ऊपर धनावेश होता है और है आपकी ऋणावेशित प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ठीक है। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स आपका ये हो सकता है जहां पे ये कॉम्प्लेक्स जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, बाद में लिखा गया है, तो जब बाद में लिखा है इसका मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैंने दो चीज आपको बताई कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन, जब समन्वय संकुल पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज कैसे पहचानेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और जब समन्वय संकुल पे ऋणावेशित हो, ऋणावेशित कैसे पहचानेंगे निगेटिव चार्ज, जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा हो, प्राइमरी वैलेंसी पहले आ गई हो, प्राइमरी वैलेंसी अगर पहले आ रही है तो स्फीयर आपका निगेटिवली चार्ज है, प्राइमरी वैलेंसी अगर बाद में आ रही है तो स्फीयर आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में मेटल आयन का जो नेम होता है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस टाइप का है तो नाम आप सिंपल लिख देंगे, क्रोमियम आया क्रोमियम लिख दिया, मैग्नीज आया मैग्नीज लिख दिया, आयरन आया आयरन लिख दिया। लेकिन जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिवली चार्ज होता है तो मेटल की नेमिंग में, धातु आयन के नामकरण में उसका लैटिन नेम लिखते हैं, किसका, धातु आयन का, मेटल आयन का लैटिन नेम लिखते हैं अगर प्रेजेंट हो तो, ठीक है, जैसे क्रोमियम का नहीं है तो क्रोमेट लगा देंगे, और इसके लैटिन नेम के आगे क्या जोड़ते हैं, एट जोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, तो इसको हम लिखते हैं नेमिंग में फेरेट, लेकिन कब लिखेंगे, जब आपका कॉम्प्लेक्स इस टाइप का हो, इस टाइप का नहीं। क्रोमियम का कोई लैटिन नेम नहीं है, इसके नाम के आगे क्रोमेट सिंपल जोड़ दिया, ठीक है, क्रोमियम क्रोमेट जोड़ दिया। इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद, जैसे मैग्नीज है तो मैग्नेट कर देंगे, प्लम्बम है लेड है तो प्लम्बेट कर देंगे, ये सारी चीजें कर देंगे आप। ये लिखने के बाद आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के आगे लिख देते हैं रोमन डिजिट्स में, रोमन न्यूमरल में आप इसका लिख देते हैं। दूसरी चीज, एक पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैंने, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में समन्वय संकुल में एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड होते हैं, तो लिगेंड का जो नाम होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ए पहले आता है तो ए नाम वाला लिगेंड पहले लिखा जाएगा, बी वाला बाद में लिखा जाएगा, सी वाला उसके बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते समय
डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसा काउंट नहीं करते, हम सिर्फ लिगेंड के नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट करते हैं, उनके रिपीटिशन वाली जो नंबर है उसमें नहीं। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया कौन कौन से। जब आपका समन्वय शंकु धनावेशित होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपका होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब पॉजिटिव चार्ज का होगा तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इस टाइप का लिखा होगा, मतलब ब्रैकेट आपका पहले आएगा और ब्रैकेट के बाद आपकी प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी। और दूसरा टाइप होता है जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये ब्रैकेट आपका बाद में आएगा, प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में नेमिंग हम लोग देखते हैं, मैंने अलग अलग लिख दिया, होता तो बेसिकली एक ही जैसा होता है, पर मैंने अलग लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, आपके थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए। देखिए, अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, तो क्या नाम करते हैं, सबसे पहले लिगेंड्स जितने भी होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उनको लिख लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट करने के बाद। उसके बाद मेटल आयन का नाम आता है, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद प्राइमरी वैलेंसी लिख देते हैं विदाउट नंबर। मतलब कितनी बार भी प्राइमरी वैलेंसी आ जाए हमको यहाँ पे नंबर नहीं दिखाना, लिगेंड्स का नंबर भी दिखाना, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। दूसरा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी वैलेंसी से। देखिए ये पहले ये लिखा है तो इसी का नाम पहले लिखेंगे, जो आपका फॉर्मूले में पहले लिखा रहता है उसी का नाम पहले लिखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी नंबर नहीं दिखाना होता, विदाउट नंबर। फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आते हैं, लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, नंबर के साथ, और फिर मेटल आयन का नाम इसमें 8 जोड़ते हैं, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं CO NH3 4 Cl2 Cl, देख रहे हैं CO NH3 4 Cl2 Cl, बहुत आसान है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा टाइप है, आप इसको कंपेयर करें इन दोनों में से, तो कौन सा टाइप मिलेगा आपको, ये वाला टाइप दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये टाइप मिल रहा है। तो अब अगर ये टाइप मिल गया तो सबसे पहले आपको लिगेंड्स का नाम लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे दो, ये आपका जो पहला लिखा हुआ ये क्या है, ये आपका है मेटल, ये क्या है आपका एमीन है, ठीक है, ये आपका लिगेंड शुरू हो गया, और ये आपका क्या है क्लोरो। क्लोरो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि क्लोरीन जो होता है क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज होता है, और अमीन न्यूट्रल होता है, अमोनिया से अमीन आ गया और उसका नाम क्लोरो आ गया। ठीक है, बाहर ब्रैकेट के बाद देखिए एक क्लोराइड आयन लगा हुआ है। अब इसका नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विथ नंबर। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, एबीसीडी में पहले ये आता है अमीन, ठीक है, तो चार बार अमीन आए, इसमें से टेट्रा अमीन, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होंगे, कोई गैप वगैरह नाम में नहीं देते हैं, जैसा मैं लिख रहा हूं आप देखेंगे सुधांत, टेट्रा एमीन हो गया। इसके बाद क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, तो इसके लिए लिखेंगे, देखिए सेम कॉन्टिन्यूएशन में डाई क्लोरो, कहीं कोई गैप मैंने नहीं दिया है, डाई क्लोरो, लिगेंड्स हो गए, देखिए यहां तक हम पहुंच गए, सारे लिगेंड्स लिख लिए मैंने, लिगेंड्स हो गए। इसके बाद मेटल आयन कौन सा है, कोबाल्ट है, क्लोरो, फिर कोई गैप नहीं, कोबाल्ट, कोई भी गैप होता नहीं है, ठीक है, अगर आपको लग रहा हो तो मैं इसको मर्ज कर देता हूं, ये कोबाल्ट ऐसे हो गया। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भरना होता है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको सिखाया था थोड़ा बहुत, पर आप यहां पर फिर से देख लें, जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं एक्स, कोबाल्ट का निकालना, कोबाल्ट का मान लिया एक्स, ठीक है, अब देखिए इसका माना था हमने एक्स, अब आगे बढ़िए, कोबाल्ट के बगल में चार अमोनिया मॉलिक्यूल है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल पे जीरो चार्ज होता है, ठीक है, आगे बढ़ के 4×0 कर दिया। अब फिर आगे बढ़िए, देखिए एक साइड से शुरू कर रहा हूं मैं, फिर आपका अमोनिया के बगल में दो क्लोरीन है और एक क्लोरीन पे एक निगेटिव होता है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए, एक क्लोरीन आपको और मिल रहा है, सबको सम करते जाइए, माइनस चार्ज वाले क्लोरीन पे भी होता है, और टोटल चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है, यहां से यहां तक नहीं कुछ नहीं लिखा है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज लिखा है, ना कोई नेगेटिव चार्ज लिखा है, तो कितना, जीरो। आप इसको काउंट करेंगे तो एक्स 4×0 जीरो, माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर प्लस थ्री। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ठीक है, कोबाल्ट 3। यहां तक पहुंच गया ऑक्सीडेशन नंबर, अब प्राइमरी वैलेंसी विदाउट नंबर, तो प्राइमरी वैलेंसी में यहां वैसे भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, उसका नाम लिखेंगे क्लोरो नहीं क्लोराइड, मैंने बताया था कोई चेंज नहीं आता है,
जैसा भी होता है वैसा नाम लिख देते हैं, क्लियर है। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला तरीका है, ये आपको सीखना होगा कि कौन से लिगैंड पे कितना नेगेटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये एक नाम हो गया, एक आध नाम और देख लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहां लिखूं सी आर एन एच थ्री फोर बी आर टू, सॉरी बी आर टू और ये एनओ थ्री, ठीक है। अब देखिए दो टाइप के लिगेंड्स आ रहे हैं यहां पे भी। ये आपका पहला क्रोमियम मेटल हो जाएगा, ये आपका लिगेंड है, क्या है लिगेंड एमीन, और ये आपका क्या है ब्रोमो, ठीक है, और ये आपका नाइट्रेट प्राइमरी वैलेंस है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, एमीन पहले लिखा जाएगा, क्या नाम लिखेंगे टेट्रा एमीन, पहला लेटर कैपिटल बाकी सभी स्मॉल, टेट्रामीन। फिर दो बार ब्रोमीन आया है, डाइब्रोमो, ठीक है। डाइब्रोमो के बाद अब आपका मेटल बच गया, तो ये क्रोमियम लिख दिया, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर में फिर से एक बार निकाल के दिखा देता हूं, क्रोमियम का निकालना है एक्स, क्रोमियम के बगल में चार अमोनिया मॉलिक्यूल है जीरो, ठीक है। देखिए मैं यहां से यहां चल रहा हूं, और फिर चार अमोनिया मॉलिक्यूल के बगल में दो ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन पे एक निगेटिव, दो ब्रोमीन थे तो टू इंटू माइनस वन, और फिर नाइट्रेट पे एक निगेटिव होता है, ये सम कर लिया आ गया जीरो, एक्स बराबर प्लस थ्री। तो क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया थ्री। ऑक्सीडेशन हमेशा रोमन डिजिट्स में लिखते हैं, रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, क्रोमियम थ्री, और फिर आगे देखिए नाइट्रेट, ओके ना। हिंदी में आप सेम लिखेंगे टेट्राएमीन डाइब्रोमो क्रोमियम थ्री नाइट्रेट, ऐसे करके लिख लेंगे। चलिए और देखते हैं, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखिए जेड एन एन एस थ्री फोर टू प्लस, अब देखिए ध्यान से, यहां पे एक ही टाइप का लिगैंड है, कौन सा एमीन, ठीक है। तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट नहीं करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, चार बार एमीन आया है तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन हो गया। अब इसके बाद देखिए कोई और लिगैंड बचा नहीं, तो हम यहां पे जिंक लिख लेते हैं, जिंक। ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का यहां पे प्लस टू हो जाएगा, कैसे देखिए, जिंक का निकालना है तो एक्स, और चार अमोनिया मॉलिक्यूल जीरो, और टोटल चार्ज देखिए ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज लिखा हुआ है प्लस टू, तो एक्स बराबर प्लस टू यहां पे हो गया, तो जिंक टू, ये हो गया नाम। अच्छा, जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज वगैरह आ जाए, भले पॉजिटिव आ जाए चाहे निगेटिव आ जाए, भले ही कितना चार्ज आ जाए, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री से मतलब नहीं है, आप उसके नाम क्या आयन यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है। एक नाम ये हो गया, चलिए आगे देखते हैं। एक नाम ये देखिए, सॉरी सी ओ ई एन टू सी एल टू और ये बी आर, ठीक है, ये नाम लिखना है। तो यहां पे जो दो लिगेंड्स आए हैं, दो टाइप के लिगेंड्स, कौन कौन से लिगेंड्स हैं देखते हैं। एक तो है आपका क्लोरो, और इसका नाम मैंने भी बताया था इथेन वन टू डायमीन, मैंने बताया था इसका नाम इथेन वन टू डायमीन, और इसका नाम क्लोरो। अल्फा पर्टिकुलर ऑर्डर में पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा, जाहिर सी बात है, तो डाई क्लोरो यहां लिख ले हम, इसका नाम शुरू करते हैं, देखिए डाई क्लोरो, ठीक है। अब दो बार इथेन वन टू डायमीन ईएन आया, अब ध्यान से देखेंगे दो बार आए तो डाई नहीं लगाएंगे यहां पे, क्यों, क्योंकि इसके नाम में पहले से ही डाई क्या है प्रेजेंट, जब पहले से ही डाई प्रेजेंट है तो डाई तो लगा नहीं सकते हैं, तो यहां पे क्या लगाते हैं बिस, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, तो बिस इथेन वन टू डाईमीन हो गया ना, सारे लिगेंड खत्म हो गए।
बच गया आपका कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो आएगा यहां पे 3, अब मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप निकालेंगे और ये आ जाएगा ब्रोमाइड, सिंपल नेम हो गया। तो ये सारे जो नाम आपने देखे, इसमें नाम क्या था, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, देखते हैं। ये देखिए, अगर आपको लिखना हो K4FeCN6, ठीक है, तो मैंने कहा जो पहले लिखा जाएगा वही पहले पढ़ा भी जाएगा, और जो पहले पढ़ा जाएगा वही पहले लिखा भी जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी, ये देखिए इस टाइप का है ना, ये इस टाइप का है, तो प्राइमरी वैलेंसी का नाम पहले लिखते हैं और विदाउट नंबर लिखते हैं। देखिए विदाउट नंबर है, तो टेट्रा पोटेशियम ना लिखते, हम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, काम खत्म। अब देखिए लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां पहुंचते हैं, तो लिगेंड एक ही टाइप का है, अल्फाबेट का हमको कोई टेंशन ही नहीं है, 6 साइनाइड आयन है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, साइनो क्यों, क्योंकि साइनाइड पे एक निगेटिव होता है, ठीक है, हेक्सा साइनो हो गया। अब फेरेट क्यों, मैंने बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो मेटल आयन का लैटिन नेम लिखते हैं अगर होता है तो, और इसके नाम के आगे क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, तो फेरम था, फेरेट कर दिया, फेरेट हो गया। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहां पे आ जाएगा 2, अभी मैं निकाल के दिखाता हूं कैसा था, फेरेट 2, ये नाम पूरा हो गया। देखते हैं ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फेरेट 2 कैसे आ गया है, देखिए हमको निकालना है आयरन का, सबसे पहले 4 पोटेशियम, सबसे बाएं साइड से शुरू करते हैं, 4 × 1, एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव, इसके बाद आयरन का एक्स मान लिया, और 6 साइनाइड, 1 साइनाइड पे एक निगेटिव, टोटल